हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास हमने टॉपिक किया था कि रूल्स एंड रेगुलेशन असेसमेंट के, HUF के, इंडिविजुअल के, कंपनी एंड फर्म के। उसमें ये बताया था कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या रही है आपकी, क्यों असेसमेंट किया जाता है और हमें रिटर्न फाइल करने की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है। आज हमारा टॉपिक रहेगा असेसमेंट प्रोसीजर, कि असेसमेंट कैसे किया जाता है, किस सेक्शन में किया जाता है, क्यों किया जाता है। मैं थोड़ा ब्रीफ लास्ट क्लास का लेता हूँ। शॉर्ट में मैंने बताया था 139 सेक्शन 139 में बताया था इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल की जाती है और क्यों की जाती है। जब आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी टोटल इनकम एबव 2,50,000 से ज़्यादा रहे तो हमें 139 वाले में हमें रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो असेसिंग ऑफिस 142 में 1 में नोटिस देकर हमें ये फाइल स्पेसिफाइड पीरियड में हमें रिटर्न फाइल करने के लिए बोलेगा 142(1) में। असेसिंग ऑफिसर हमें नोटिस दे सकता है 142(1) का कि आपको इसमें रिटर्न फाइल करनी है, स्पेसिफाइड पीरियड मेंशन करेगा। कि आपको 142(1) में आपको नोटिस देकर असेसिंग ऑफिसर इंडिविजुअल कंपनी फर्म किसी को भी कि आपको स्पेसिफाई 142(1) में आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने 139(1) में आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद, लास्ट मैंने आपको ड्यू डेट बताई थी इंडिविजुअल और की 31 जुलाई फॉर द असेसमेंट ईयर एंड 30 जिनकी ऑडिट होती है। जिन लोगों की ऑडिट होती है, जिनका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है या 50 लाख जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनकी प्रोफेशनल फीस, डॉक्टर्स हुए, जज हुए कोर्ट में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, उनके 31 उनकी ऑडिट होती 30 सितंबर और 31 जुलाई, जिनकी ऑडिट नहीं होती नॉन ऑडिटेड के लिए 31 जुलाई फॉर द असेसमेंट ईयर होती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है डेट को, जो भी डिपेंड करता है। आज का टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर कैसे किया जाता है, पहले देखते हैं 142(1) सेक्शन 142(1) ये कहती है अगर असेसी ने उसकी इनकम, टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा थी और उसने अपनी रिटर्न नहीं फाइल किए ड्यू डेट से पहले या जो भी इसकी ड्यू डेट रही है बिलेटर पेनल्टी के साथ, तो आपको 142(1) में नोटिस देकर असेसी ये कह सकता है आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 142 का नोटिस कब दे सकते, टाइम लिमिट एओ असेसिंग ऑफिसर 142(1) का नोटिस आपको कब दे सकता है, आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। After the end of the assessment year, जैसे अभी financial year end हुआ है 2020-21, financial या previous year, मैंने आपको कल ही बताया financial year previous year same होते हैं income tax की language में, assessment year उसका next carry forward होता है। इसकी due date है इंडिविजुअल नॉन ऑडिटेड के लिए कर देता हूं। आज का टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीजर। मैंने कल क्लास में बताया था कि हम 139(1) में हम रिटर्न फाइल करते हैं अपना ड्यू डेट से पहले और जो भी अगर गवर्नमेंट अगर एक्सटेंड करती है तो हम उसको फाइल करते हैं असेसमेंट प्रोसीजर, और 142(1) में
असेसमेंट प्रोसीजर होता है 142(1). सेक्शन 142(1) ये कहती है अगर असेसी ने ड्यू डेट से पहले या एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर में विद पेनल्टी अगर अपने रिटर्न फाइल नहीं की है असेसी ने, तो असेसिंग ऑफिसर वन फोर्टी टू वन का नोटिस देकर ये कह सकता है कि सर आप स्पेसिफाइड पीरियड में इस रिटर्न को फाइल करो। टाइम लिमिट, असेसिंग ऑफिसर 142(1) का नोटिस कब इशू कर सकता है एओ के लिए, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आफ्टर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, असेसिंग ऑफिसर अगर असेसी ने 139(1) में रिटर्न फाइल नहीं की है अपनी ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड, असेसिंग ऑफिसर 142(1) में एक नोटिस इशू कर सकता है कि आप इस पीरियड की रिटर्न फाइल कीजिएगा। असेसिंग ऑफिसर का टाइम लिमिट क्या होगी, आफ्टर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स 2020-21 फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स की लैंग्वेज में सेम ही है। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड, नॉन ऑडिटेड 30 जुलाई 2021, अभी हमारा एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021। अगर असेसी 31 जुलाई 2021 तक रिटर्न फाइल कर देता है तो ठीक है, अगर इसके बाद करता है 31 दिसंबर 2021 तक तो विद पेनल्टी, और 31 मार्च 2022 तक विद पेनल्टी, जो भी इसका 1000, 5000, 10000 की पेनल्टी जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, असेसी ने फाइल नहीं की, रिटर्न फाइल नहीं की, रिटर्न फाइल 30, असेसी ने 31 मार्च 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं करी, लेकिन असेसी की इनकम 8 लाख थी, असेसी को पता था मेरी इस साल की इनकम 8 लाख रुपए जो बैंक में ट्रांजैक्शन आए हुए हैं। असेसिंग ऑफिसर को पता चला कि इसने रिटर्न फाइल नहीं की 31 मार्च 2022 तक, तो वो इसके बाद 31 मार्च 2022 डेट मीन एंड ऑफ द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर, तो 1/4/2022 से 142(1) का नोटिस इशू कर सकता है और कह सकता है कि सर आपने रिटर्न फाइल कीजिएगा। 142(1) में का नोटिस तभी इशू होगा जब 139(1) की ड्यू डेट एक्सपायर्ड होने के बाद, 142(1) का नोटिस असेसिंग ऑफिसर तब इशू करेगा 139(1) का आपकी ड्यू डेट एक्सपायर्ड हो जाए, दी मी 31 जुलाई 2022 के बाद। 142(1) का नोटिस इशू करने पर 144 एक सेक्शन है वेस्ट जजमेंट, असेसिंग ऑफिसर 142(1) का नोटिस इशू नहीं करता डायरेक्टली, वह 144 सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट का एक उसका असेसमेंट कर सकता है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीजर। 144 के लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है अगर उसे लगा कि 142(1) का मैं नोटिस इशू नहीं करता हूँ, डायरेक्टली मैं असेसमेंट कर देता हूँ, और 144 का इसके लिए बेस्ट इसके लिए नोटिस भी 141 सेक्शन 144 में इश्यू होता है। 139(1) में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, ठीक है मत करो,
अगर आपकी इनकम ज़्यादा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो असेसिंग ऑफिसर चाहे तो 142(1) का नोटिस इशू करके आपको बोल सकता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप ऐसे स्पेसिफाइड पीरियड में आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। 142(1) का नोटिस इशू करने के साथ नहीं करता असेसिंग ऑफिसर, और डायरेक्टली वो 144 सेक्शन में बैंस जजमेंट का असेसमेंट कर सकता है आपके लिए, और वो नोटिस दे सकता है 144 का। इस असेसमेंट को करने के लिए 144 को ही का ही नोटिस जाएगा असेसी के लिए, ठीक है। अब आता है आपका टॉपिक एक एक आती है सेक्शन 142(1), ये तो हो गई वन। एक आती है 142, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 142(1) सब क्लोज सबसेक्शन 1 और 142(1) सबसेक्शन 2। 142(1) सबसेक्शन 1 ये कहती है अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। 142(1) सबसेक्शन 2 ये कहता है आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए 8% से कम, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तब भी आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। अगर असेसिंग ऑफिसर इसका नोटिस इशू करता है 142(1) में, इफ असेसिंग ऑफिसर इश्यूड नोटिस 142, अगर असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर 142(1) सबसेक्शन सेकंड का, ये कब इशू करता है? व्हेन टोटल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट, वन फोर्टी टू वन का नोटिस कब इशू करता है सेकेंड का? जब आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, और 142(1) का नोटिस व्हेन टोटल इनकम एवब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा 142(1) सबसेक्शन 1 का नोटिस कब इशू करता है, जब आपके इनकम टोटल इनकम से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। लेकिन उसके नोटिस के लिए आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो असेसी कहेगा सर मेरी तो इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो आप मेरे को नोटिस क्यों इशू कर रहे हैं 142(1) सबसेक्शन 1 सेकंड का। इस नोटिस के साथ सेक्शन 143, सेक्शन 144, सेक्शन 153, सेक्शन 147 का 143(2), 144, 148, 153 143(2) का नोटिस साथ में इशू करना पड़ेगा। 143(2) क्या कहता है? आपने कोई इनकम स्कूटनी असेसमेंट, स्कूटनी होगी आपकी 143(3) में। 144 ये कहता है आपने नोटिस इशू किया है बेस्ट जजमेंट। 153 के लिए 153(a) का ही नोटिस इशू करता है। 148 ये कहता है 147 का नोटिस इश्यू करेगा एस्केप इनकम। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के लिए 142(1) सबसेक्शन सेकेंड
का नोटिस इशू किया, लेकिन असेसी कहता है सर मेरे तो वैसे ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम है, आपने सेकंड का नोटिस क्यों इशू किया है? असेसिंग ऑफिसर कहेगा सर आपकी इस नोटिस के साथ एक नोटिस और ऐड करेगा 143(2) का, 144, 143, 148. 143(2) ये नोटिस है, ये नोटिस की सेक्शन है, ये आपकी असेसमेंट की. सेक्शन 143 कहता है स्कूटनी असेसमेंट कि सर आपकी स्कूटनी हमें कोई इनकम पाई गई है, या स्कूटनी मतलब आपने इनकम कम दिखाई है, या स्कूटनी आप कह सकते हो कि आपकी स्कूटनी होगी आपने कोई इनकम नहीं दिखाई है, मतलब आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है लेकिन कोई इनकम ऐसी है सर आप हम आपके पास आए और आपकी कोई इनकम हमें मिल गई, तो ये होगी स्कूटनी इनकम. 144 का ये कहता है बेस्ट जजमेंट का, सर आपकी इनकम हमें ज़्यादा थी, आपको हमने नोटिस देना उचित नहीं लगा और हमने 144 में बेस्ट जजमेंट जो मेरे को सही लगा वो कर दिया, आप अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आप अपील में जा सकते हैं. 153 ये है कि इनकम टैक्स ऑफिसर के कुछ लोग आपके घर आपके ऑफिस या कहीं भी गए आपके घर गए तो वहाँ आपको सर्च एंड सीजर करने पर आपको कुछ पाया गया, वहाँ असेसी के घर पे असेसिंग ऑफिसर के कुछ लोग इनकम टैक्स ऑफिसर के और वहाँ आपको कुछ पाया गया सर्च एंड सीजर को 153(1)(a) में, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी 8/20/21 की, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है, असेसी ने नोटिस इशू कर दिया और 153 का एक नोटिस दे दिया साथ में कि सर आपके यहाँ कुछ हमें पाया गया, हम आपके घर गए तो 143(1) के साथ आपको ये नोटिस दे दिया. 148 का नोटिस कब दिया जाएगा, जब आपको एस्केप इनकम आपने कुछ इनकम छुपाई गई हो, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी ठीक है रिटर्न फाइल नहीं करी लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास पहले ही डेटा आ चुका है कि आपने कुछ इनकम छुपाई है, तो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या आपने शेयर कैपिटल शेयर मार्केट कुछ काम किया हो जो आपने शो नहीं करा कि सर मैं तो लॉस में था. शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग का नोटिस इशू होता है क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा लॉस होता है असेसी के लिए, तो वो अपनी इनकम नहीं दिखाता लेकिन असेसिंग ऑफिसर कहता है सर लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि आपका टर्नओवर ज़्यादा हो गया, आपका आपने लॉस बुक किया ठीक है लेकिन आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, आपको मुझे बताना होगा कि सर लॉस क्यों हुआ, आपने कितना पैसा लगाया शेयर मार्केट में कि आपको लॉस हुआ और आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया. तो इसकी मैं एक नेक्स्ट शीट में आपको टेबल बना देता हूँ क्योंकि इसमें सेक्शन पूछ सकता है नोटिस एंड असेसमेंट. ये नोटिस इशू होगा इस असेसमेंट के रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 143. आपको नोटिस इशू है 143(3) का. और यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 है. असेसमेंट इसका होगा अंडर सेक्शन 143(2) में. आपको नोटिस इशू करेगा 143(3) का और आपको नोटिस मैंडेटरी करेगा इसका 143(2) में. इशू मैंडेटरी में असेसमेंट 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 सॉरी यार यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें सेक्शंस में. यह आता है स्कूटनी, स्कूटनी का अंडर सेक्शन 144. अगर इसका नोटिस इशू करता है इसका असेसमेंट भी 144 में होगा बेस्ट में. एस्केप इनकम Yeah.
आपको एमसीक्यू क्वेश्चन से पूछ सकता है कि सर 143 टोकन नोटिस कब इशू किया जाता है, स्कूटनी के लिए किया जाता है, इसका असेसमेंट किस सेक्शन में होता है, 143 सब सेक्शन 3 में। 144 का बेस्ट जजमेंट के लिए किया जाता है, सेक्शंस पूछ सकता है। फिर पूछा है एस्केप इनकम के लिए कौन सा, अगर किसी एसएससी ने एस्केप इनकम की है तो उसके लिए कौन से सेक्शन में नोटिस इशू किया जाता है, 148 में, उसका असेसमेंट किस में होगा, 147 में। सर अगर किसी के रेड पड़ी हो, अगर किसी एसएससी के रेड पड़ी हो तो वो सर्च एंड सीजर का आता है, तो सर्च एंड सीजर के साथ वो स्कूटनी एस्केप इनकम का भी नोटिस इशू करता है। ये नहीं कि सर्च एंड सीजर का नोटिस का मतलब होता है कि सर्च एंड सीजर के लिए हम 153A का नोटिस इशू करते हैं, सर हम आपके यहाँ गए, हमें इतना गोल्ड मिला, इतना हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले और हम 153 AM नोटिस इशू कर रहे हैं। इसके साथ 148 का भी नोटिस इशू कर सकता है एस्केप इनकम का, कि आप रिटर्न फाइल नहीं की है, और आप 148 का भी नोटिस इशू, मतलब उसकी इस सेक्शन में फाइल ओपन होगी, इस सेक्शन में फाइल ओपन होगी 148 में कि एसके आपने हमसे इतनी इनकम छुपाई है, और 153A के लिए होता है सर्च एंड सीजर, और इसका असेसमेंट सेम सेक्शन में होता है 153A में। मेजरली ये पूछ लेता है एमसीक्यू में, सर एसके इनकम के कौन सा सेक्शन में नोटिस इशू किया जाता है और किस सेक्शन में आपका असेसमेंट होगा। स्कूटी के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है सब सेक्शन का, 143, 143(2) और ये वगैरह इसमें। अभी टॉपिक क्या आता है, वन फोर्टी थ्री वन, 143(2), 143 ये होता है 143(1) का ना इंटीमेशन। वन फोर्टी थ्री वन, 143(2), 143(3) अगर असेसी ने 139 में रिटर्न फाइल की है तो उसके पास 143(1) का इंटीमेशन आएगा कि सर आपने जो रिटर्न फाइल की है, जो भी आपने मैन्युअली या ऑनलाइन रिटर्न फाइल की, जो भी आपने डेटा हमें प्रोवाइड कराया है तो वो सही है गलत है, तो 143(1) में वो इंटीमेशन करते हैं असेसिंग ऑफिसर बैंगलोर में, जैसे CBC कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे यहाँ बैंगलोर में है, तो वहाँ से एक नोटिस आता है एसएससी के लिए, हार्ड कॉपी घर पे आती है या मेल पे आ जाती है आज के डिजिटल के टाइम में। 143(1) का बाकायदा एक 3 या 4 पेज का एक पूरा लेटर आता है कि सर आपने जो हमें इनकम शो करी है, जो भी आपने क्लेम किया है, जो भी ATC में डिडक्शन लिए, ATD में लिए, या कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी अगर आपने टैक्स लेट जमा कराया है तो उसकी हमने इंटरेस्ट वगैरह जो आपने कैलकुलेशन किया वो सही है, तो असेसिंग ऑफिसर 143(1) में इंटीमेशन किया है सर सही है। अगर कोई अर्थमेटिकल एरर आती है या कुछ आपने क्लेम ज़्यादा कर लिया है, या आपने इंटरेस्ट की इनकम, जैसे अगर आपने टैक्स ड्यू डेट पर पे नहीं करा एडवांस टैक्स, अगर किसी की लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है ईयर में पूरे साल में, तो उसे एडवांस टैक्स विद इन ड्यू डेट पर जमा कराना होता है, ये टॉपिक मैं आगे लूँगा। अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया हो और आपने इंटरेस्ट जब आपने 139 में रिटर्न फाइल करी है उस टाइम पे आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा हो, या जो कैलकुलेट हो रहा हो उससे कम पे किया हो, तो 143(1) में आपको इंटीमेशन करता है सर आपका इतना इंटरेस्ट बनना है, आपको पे करना है, या आपको इतना रिफंड बन रहा है, आपने हमको टैक्स जमा ज़्यादा जमा करा दिया है, या आपने आपका TDS ज़्यादा कटा है, डिडक्ट हो गया है और आपकी इनकम कम थी, तो उस केस में आपको 143(1) में इंटीमेशन हो जाता है। इसके लिए 143(1) के इंटीमेशन के लिए अर्थमेटिकल एरर, वन फोर्टी थ्री वन का इंटीमेशन का कोई अगर अर्थमेटिकल एरर उसने एसएससी ने डाली है, या क्लेम अगर एसएससी ने क्लेम कम किया है या ज्यादा किया है इंक्रीज, जैसे ATC का, ATD, कोई भी सेक्शंस जो भी आपके रिलीफ मिलती हैं, रिलीफ सेक्शन 89, सेक्शन 90A,
जो भी आपने आपने रिटर्न फाइल किया हो, अगर उसमें कम या ज़्यादा या कुछ ऐसा है कि जो असिस्टिंग ऑफिसर उससे आपसे बोलता है कि सर आपने इंटरेस्ट कम पे किया, तो आपको डिमांड निकाल कर इंटीमेशन करेगा, विद इन टाइम आपको इंटरेस्ट पे करना है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो रिफंड आपको आपके अकाउंट में विद इन पीरियड में आ जाएगा। अगर वो जिस हाँ अगर आपने टैक्स पे कम किया है टैक्स अगर आपने टैक्स पे कम किया है तो गवर्नमेंट आपसे 18% इंटरेस्ट क्लेम करेगी। अगर आपका रिफंड बन रहा है, रिफंड बन रहा है जिस दिन आपके आपने रिटर्न फाइल करी है उस दिन से, और जब आपका रिफंड आएगा 6% आपको उस पर इंटरेस्ट की दे देना गवर्नमेंट आपको देती है। इन केस में आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, आपके 143 बैंक का कब आता है। असेसी ने बिजनेस इनकम 20,40,000 शो करी, असेसिंग ऑफिसर ने ये टोटल इनकम शो करी, उसने कोई भी बिजनेसमैन हुआ उसने टोटल इनकम 20,40,000 रुपए दी और उस पर टैक्स पे कर दिया। अब इसमें कुछ खर्चे जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, जो नॉन कैश आइटम होता है, डेप्रिसिएशन सर एक नॉन कैश आइटम होता है, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। ये एक प्रकार से एक्सपेंसेज होता है लेकिन ये नॉन कैश होता है। नॉन कैश क्यों होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एक्सपेंडिचर में आता जरूर है, खर्चा बुक होता है इस चीज़ का, लेकिन ये शो दिखता नहीं है। नॉन कैश ना आया ना गया लेकिन खर्चा बुक हो गया हमारे लिए, खर्चा बुक हो गया और हमको डिडक्शंस मिल गई और हमारा प्रॉफिट कम हो गया इस बेस पे। तो ये डेप्रेशन बोल पूछ सकते हैं सर नॉन कैश आइटम कौन कौन से आपके, तो एक आपका डेप्रेशन आपका नॉन कैश आइटम है। असिस्टिंग ऑफिसर कहता है इस वाले केस में कि सर आपने जो हमें खर्चे दिखाए हैं, टोटल इनकम आपने 20,40,000 दी है, इसमें आपने कुछ खर्चे अलाउ मतलब हाँ कुछ खर्चे आपने डाल दिए लेकिन मैं उन खर्चों को डिसअलाउड कर रहा हूँ। डिसअलाउड का मीनिंग वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और आपने उनको खर्चों को डाल दिया तो मैं इनको डिसअलाउड कर रहा हूँ। तो असिस्टिंग ऑफिसर ने 2,00,000 के खर्चे डिसअलाउड कर दिए तो यहां उसकी इनकम हो गया आपकी 22,40,000 टोटल इनकम। असेसिंग ऑफिसर ने आपने 20,40,000 का दिखाया टोटल इनकम, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने क्या पूरा आपका रिटर्न फाइल देखा तो उसमें देखा कि कुछ खर्चे डिसअलाउड हो रहे हैं, मतलब आई मीन कुछ खर्चे आपने 2,00,000 रुपए के एक्स्ट्रा डाले हुए जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने बोला सर मैं इनको डिसअलाउड कर रहा हूँ, आपकी टोटल इनकम 22,40,000 रुपए और आप इस पर टैक्स पे करो। तो उसने टैक्स की कैलकुलेशन 2,00,000 रुपए और निकाल दी, 2,00,000 रुपए निकाल के आपको इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको 143(1) में नोटिस दे दिया, इंटीमेट कर दिया। वन फोर्टी थ्री वन सेक्शन इंटीमेशन ऑफ असेसमेंट, ये सर किसी भी असेसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि 143(1) का नोटिस आ गया मेरे पास तो मेरा असेसमेंट हो गया, नहीं। असेसी चाहे तो एक बार 143(1) में आपको इंटीमेट कर रहा है सर हमने आपकी इनकम इतनी दिखा दी 2,00,000 रुपये ऐड करके और आप इस पर टैक्स पे कर दीजिएगा। असेसिंग ऑफिसर को राइट है कि जिस साल के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर 8 साल तक वो कभी भी आपको 143(2) का नोटिस दे सकता है, स्कूटनी के लिए 147 में दे सकता है, 143(a) में दे सकता है। ये असेसी ये नहीं कहता सर आपने तो मेरे को उस साल का 143(1) में इंटीमेशन दे दिया असेसमेंट का तो अब आप मेरे को 147 का और 143(2) का नोटिस कैसे दे सकते हैं, नहीं। असेसी ने बस इंटीमेट किया सर आपकी इनकम इतनी है हम चाहे तो आगे के 8 सालों में आपको नोटिस और दे सकते हैं, क्योंकि हमें आपको पाया कि जब आपने रिटर्न फाइल की तो ठीक है हमें कोई इनकम नहीं दिखी, आपने जो दिखाया हमें पता चल गया, लेकिन हमें बाद में इन्फॉर्मेशन मिली कि आपने कुछ इनकम एस्केप की है या आपके सर्च एंड सीजर केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपके ऑफिस में या आपके घर पर पाई गई जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखे शो करी है, तो 143(2) का नोटिस दे सकता है, 143(a) का नोटिस दे सकता है, 147 में नोटिस दे सकता है। जैसे अब इसमें और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, असेसी एक्स है उसने 80C में क्लेम किए 2,00,000 रुपये मैनुअली सर, पहले रिटर्न मैनुअली जाती थी अब तो ऑनलाइन जाती है तो 1,50,000 से ज़्यादा लेता ही नहीं है, तो 50,000 का डिसअलाउड किया उसने। या
80G डोनेशन, डोनेशन में उसने 1 लाख रुपए के डोनेशन की रिबेट ली, 100% वाली या 50% वाली जो भी है, लेकिन पैन नंबर उसका गलत था, रॉन्ग। असिस्टेंट ऑफिसर ने डिसअलाउड कर दिया खर्चा, डिसअलाउड कर दिया तो 143(1) में आपको इंटीमेट किया, सर आपको इतना और टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने जो ATC में क्लेम किया 2,50,000 यहाँ डिसअलाउड हो गया, ATG में आपने डोनेशन 1 लाख रुपये लिया, लेकिन आपका पैन रॉन्ग था, जिस संस्था को आपने हमने दिखाया वो उसका पैन नंबर नहीं था, वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं था जिसको 12AA का, जिससे इसको रिबेट दे सकें। तो कुछ ऐसे ऐसे आपको पूछ सकता है MCQ क्वेश्चंस में, सर कितना खर्चा डिसअलाउड हो गया, सही है या गलत है इस चीज़ की केस में, 143(1) के नोटिस में। 143(1) का नोटिस अभी भी कह रहा हूँ कि वन का इंटीमेशन करता है असेसिंग ऑफिसर, ये असेसमेंट नहीं है 143(1) का नोटिस, चाहे तो वो आगे के 8 सालों में कभी भी दे सकता है आपके लिए। स्पेशल ऑडिट असेसमेंट केस असेसमेंट में भाई कभी भी असेसिंग ऑफिसर आपकी स्पेशल ऑडिट करा सकता है, सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A में। असेसिंग ऑफिसर ने कभी भी आपको 142 143(2) का नोटिस इशू करा स्कूटनी का, या 147 एस्केप का किया, कोई भी नोटिस इशू करा, उसको ये लगा कि जो आपने मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट 143(2) के नोटिस में आपने मेरे को प्रोवाइड कराया स्कूटी केस में, वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, या 147 में एस्केप इनकम दी, मैंने आपको नोटिस इशू किया 147 में कि सर आप मेरे को इतनी इतनी सारी बुक्स लेकर आओ, आपकी कैश बुक लेजर्स वगैरह सब कुछ लेकर आओ, लेकिन आप मुझे लगा कि आपने जो बुक्स वगैरह मेंटेन किए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए हैं, तो वो अपील में जाके जुड़ा 142 स्पेशल ऑडिट केस में, वह असेसिंग ऑफिसर अपने सीनियर्स ITAT में मतलब जुडिक्शन से लेके, जुडिक्शन से वो स्पेशल परमिशन लेके उस असेसर की स्पेशल ऑडिट करा सकता है कि सर मैं आपको 142(2A) के सेक्शन के रेफर में मैं आपकी ऑडिट करवाना चाहता हूँ। असेसर कहेगा सर क्यों, मैंने आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट दिए वो सही हैं, मैंने CA से सर्टिफाई करवा के दिए हैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन असेसिंग ऑफिसर इस चीज़ के लिए कंप्लीट नहीं है, वो कहता है सर नहीं सर फिर भी मेरे को एक बार आपके स्पेशल ऑडिट करानी होगी 142A में। इसमें जो स्पेशल ऑडिट करने वाला आएगा वो डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर होगा, और वो सेक्शन 142(2A) में नोट आपकी ऑडिट करेगा। अगर आपका 147 में एस्केप इनकम हो गई है, या 148 में आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में ये 142A का नोटिस वापस से इशू नहीं कर सकता। 142(2A) का स्पेशल ऑडिट कभी जब भी करा सकता है जब आपका असेसमेंट नहीं हुआ हो 148 में और 143(3) में, आपका तभी करा सकता है कि आपको नोटिस इशू कर रहा है लेकिन असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, तो उसी केस में आप ये ऑडिट करा सकते हैं 142(2A) में। अब आता है आपका कि 143(2) का नोटिस आपका कब इशू हो सकता है, कि आपको रिटर्न फाइल करनी हो या कैसे, तो इस केस में आपके लिए वन फोर्टी थ्री टू का नोटिस आपको कब इशू हो सकता है, इसकी टाइम लिमिट क्या है 143(2) के नोटिस के इशू करने की। आपने जब रिटर्न फाइल करी है, रिटर्न फाइल करने का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विद इन 6 मंथ के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ,
फाइनेंशियल 2012-13 की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 30/9/2013 ऑडिटेड। ठीक है, इसका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर कब हो रहा है? जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न आपने एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर में की है उसके विद इन 6 मंथ में आपको 143(2) का स्क्रूटनी का नोटिस इशू कर सकता है। मीन्स दो हज़ार बारह तेरह फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है आपको 30 सितंबर 2013 ऑडिटेड के लिए। आपने रिटर्न फाइल कर दी 30/9/2013 को, लेकिन एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, इसका असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट हो रहा है? फाइनेंशियल 30/3/2014। इसके 6 महीने के आगे तक आपको नोटिस इशू कर सकते हैं, मतलब इस रिटर्न फाइल करने के आप कभी भी नोटिस कर सकते हैं 30/9/2013 के बाद। 1 अक्टूबर से आपको चालू है कि भाई ठीक है, लेकिन आप लास्ट डेट आपकी ये रहेगी इसकी बाउंडिंग कि 30/9/2014। जब भी आपने रिटर्न फाइल करी हो उसके विद इन 6 मंथ के अंदर आपको नोटिस इशू करने के लिए आपको असिस्टेंट ऑफिसर आपको कह सकता है कि आप 143(2) का नोटिस आपको दे सकता है। स्कूटनी 143(a) के केस में, सर्च एंड सीजर के केस में क्या होता है, इनके ऊपर असिस्टिंग ऑफिसर के पास पूरी पावर होती है कि वो सर्च एंड सीजर का आपके आपके पास आ सकता है और पूरी आपकी छानबीन कर सकता है, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहे वो मांग सकता है, आपको देने होंगे। अगर नहीं देते हो तो वो आपके पास पुलिस केस या जो भी है आपके ऊपर बना सकता है। सर्च एंड सीजर केस में 153(a) आपके यहाँ जैसे अभी किसी भी एसएससी के यहाँ गए, वन सर्च किया, सीजर किया, आपके पास काफ़ी सारी इनकम पाई गई कि सर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है या ये रिटर्न में शो नहीं करा, आपके पास 1 करोड़ की इनकम पाई गई है लेकिन आप रिटर्न में मात्र 10 लाख रुपए की इनकम शो कर रहे हो, तो 153(a) का नोटिस दे देगा उसके लिए। सर हमें नोटिस में बाकायदा पूरा मेंशन करेगा पॉइंट वाइज कि हमें इतना गोल्ड मिला, इतना ये मिला, ये मिला, इसकी वैल्यू वैल्यूएशन करके आपको बताएगा। ये नोटिस दे दिया 153(a) में ही उसको असेसमेंट करना होगा। फिर आता है आपका नोटिस 147 एस्केप इनकम। असेसिंग ऑफिसर आपके घर गया, 153(a) का सर्च एंड सीजर का नोटिस दिया, सर हमें इतना मिला 2 दिन 3 दिन में जो भी है, साथ में 147 का भी नोटिस दे दिया एस्केप इनकम, सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपने इतनी इनकम आपने एस्केप की है, हमको बस शो नहीं करी 147 में, तो आपके जो फाइल ओपन होगी वो दो जगह होगी, 153(a) में भी होगी और 147 में होगी, तो इसका असेसमेंट 148 में कंप्लीट करना पड़ेगा इसको। अगर 153(a) की फाइल अगर क्लोज हो जाती है सर्च एंड सीजर केस में तो 147 में फाइल आपकी खुली रहेगी एस्केप इनकम की, और इस केस में वो 8 साल जिस साल वो फाइल ओपन हुई उसके 8 साल से पीछे के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकता है, इनकम टैक्स के अकाउंट्स बुक्स वगैरह जब भी जो भी उसको होगा वो आपको देना होगा इस चीज़ के लिए। इसके साथ आपके असेसमेंट प्रोसीजर में एक एक सेक्शन और है आपकी 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर एसएससी ने आपको असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया 143(1) में
एसएससी ने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराए कि भाई मेरे पास नहीं है, और असेसिंग ऑफिसर को ये लगा कि सर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या कम है या कुछ इनकम आपने हमसे छुपाई है, तो असेसिंग ऑफिसर वन सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। इसके लिए असेसिंग ऑफिसर उसको नोटिस इशू करता है 143(1) में। 143(1) में जब नोटिस इशू करता है तो इंटीमेशन करता है कि सर आप हमें विदिन अ पीरियड 15 डेज के, जिस डेट को आपको नोटिस मिला है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, और आपको विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ उसमें मेंशन होता है नोटिस में, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आप हमारे सामने लेकर आएँ। अगर आप नहीं लेकर आते हो, फिर वापस इंटीमेशन करता है एक और 6 मंथ के बाद कि सर आपको हमें रिमाइंडर कराता है कि आपको हमने पहले आपको नोटिस दे चुके इस संदर्भ में, और ये आपका नोटिस नंबर लास्ट, हम आपको वापस से एक इंटीमेट कर रहे हैं कि सर आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, अदरवाइज हम 144 में एक्स पार्टी कर देंगे। एक्स पार्टी आपके नोटिस में कभी इनकम टैक्स में आता है ये एक्स पार्टी एक्सपायर्ड कर देंगे। एक्सपायर्ड का मीनिंग होता है आपका बेस्ट जजमेंट आ सकता है, हम सेक्शन 144 में एक्सपायर्ड कर देंगे, मतलब जो हमें सही लगेगा वो हम कर देंगे, हम आपसे अब नहीं पूछेंगे। अगर आप हमारे सामने सेकेंड नोटिस के बाद भी आप हमें इस टाइम पीरियड में नहीं आए तो हम आपकी एक्सपायर्ड कर देंगे, दैट मीन्स 144 में हम आपका असेसमेंट कर देंगे। अब 144 में असेसमेंट करने के बाद अगर आपकी इनकम उनके, हाँ उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि उनके पास सारा एविडेंस रहते हैं कि हम आपके एक्सपर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर आपकी इनकम ज़्यादा है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, लेकिन ऐसे ही सोचता है कि सर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कहाँ से है डॉक्यूमेंट्स, उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बैंक से, सभी से वो मंगवा सकते हैं। अगर आपका टैक्स 3 लाख रुपये बनता है, अगर आपका टैक्स 3 लाख रुपये बनता है एक्सपार्टी में, आपके पास नोटिस जाएगा कि सर आपका हमने 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया एक्सपार्टी, 3 लाख रुपये आपका टैक्स बन रहा है, लेकिन असेसी सोचता है सर मैं तो गया भी नहीं फिर भी उन्होंने 3 लाख रुपये टैक्स में दिया, तो वो आपके बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है जो भी वो जब्त कर सकते हैं, बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर एक लेटर इशू करता है जिस बैंक में आपके अकाउंट होते हैं, सारे अकाउंट सीज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं आपके जो भी है जितना आपका टैक्स बन रहा है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर के यहाँ से, जो भी इनकम टैक्स ऑफिस के यहाँ से आप, अगर आपको पास कभी नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई जरूर दें, अदरवाइज नहीं देते हैं तो वो 144 बेस्ट जजमेंट में एक्सपायर्टी कर देगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर असेसिंग ऑफिसर किसी की नहीं सुनेगा केस में कि हमने आपको 2 से 3 बार इंटीमेट किया फिर भी आप हमारे पास नहीं आए, जब हमने आपको एक्सपायर्ट कर दिया आपके बैंक अकाउंट सीज हो गए जब आप हमारे पास आ रहे हो। तो इस चीज़ के लिए हम कहेंगे कि जैसे भी आपके नोटिस हों तो उनको प्रोवाइड करा दी जाए, जो भी मांग रहे हो इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह। आज के लिए सर इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मैं असेसमेंट प्रोसीजर पर एक बड़ा टॉपिक लूँगा कि इसको कैसे कंप्लीट क्लोज किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, और टाइमिंग लिमिट में एक ग्राफ एक चार्ट बन बताऊंगा कि किस किस टाइमिंग लिमिट के लिए आपको किया जाता है।